हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्वर्टर बल्ब के बारे में बताने वाला हूँ जो बिजली जाने के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है अगर आप इसे प्लग में इंसर्ट किए रहते हैं तो। तो चलिए आज इसी को मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ किस प्रकार का यह बल्ब है और कितने देर इसका बैटरी बैकअप है। अगर पावर कट जाती है आपकी तो ये आपका इमरजेंसी के रूप में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा किस प्रकार से। तो आज इसका पूरा डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ और इसका प्राइस कितना पड़ेगा इसकी भी जानकारी मैं पूरा देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ही समझ में आपको आएगा। देखिए, मैंने पालिको के का इमरजेंसी बल्ब लिया है जो काफ़ी अच्छा है इसका। और अगर आप इसे आप परचेज करना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। और आप मैं इसको आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर आराम से इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका पूरा डिटेल्स आपको पहले बता देता हूं किस प्रकार का ये बल्ब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए पोलकाब का ये इमरजेंसी एलईडी बल्ब है। ये 9 वाट का आता है एलईडी बल्ब, आप लोग देख सकते हैं 9 वाट का एलईडी बल्ब है। और इसका देखिए 9 वाट का है और इसका प्राइस तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है लेकिन प्राइस इतना पड़ता नहीं है इसका। आपको मार्केट में आपको मैक्सिमम 400 रुपये के बीच आपको ये अवेलेबल हो जाएगा ऑफलाइन मार्केट में आपका। और ऑनलाइन में जिस तरह के इसका अप डाउन होते रहता है तो कम से कम आपको 600-700 जितना आपको दिया हुआ है उतना भी प्राइस आपको दिखा सकता है। ऐसे डाउन भी आपको हो सकता है प्राइस ऑनलाइन में 750 रुपये से मैक्सिमम हो सकता है। और इसका ऑफलाइन से आप अगर आ लेते हैं मार्केट से तो आपका ये प्राइस काफ़ी कम पड़ेगा, आपको 400 रुपये के बीच तकरीबन ये बल्ब मिल जाएगा। अब इसका जो मेन है 220 से 240 वाट पर जलता है और ये आपका लाइन रहेगा तो भी ये जलेगा बल्ब और लाइन कटने के बाद भी ये आपको आपको ये लाइट देगी। इसका बैटरी बैकअप आपको 4 से 5 घंटे के तक तकरीबन ये दे सकता है एलईडी बल्ब। आप इस पर देख भी सकते हैं लिखा हुआ 4 हॉर्स बैकअप इसका है, बशर्ते 4 से 5 घंटे तक आराम से जलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका लाइट भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्सिंग कर आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से एलईडी बल्ब इसके अंदर है। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्स कर ले रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से इसका बल्ब है, यहाँ पर इसका देख सकते हैं। हाँ, इसका रिप्लेसमेंट भी आप लोग को मिल जाएगा 6 मंथ से 1 ईयर तक आपको ये रिप्लेसमेंट इसका बल्ब का है। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं, आराम से आप इसे यूज कीजिए। अगर इसमें कुछ ख़राबी होता है तो आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं आराम से। देखिए, और इसका सबसे खासियत बात है कि आप हाथ से भी इसे इस प्रकार से प्रेस कीजिएगा तो जलेगा बल्ब। देख सकते हैं मैंने इसे कुछ पावर नहीं दिया हुआ, सिर्फ हाथ से इसे टच कीजिए, एक का बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, देखिए इसका एक खासियत है। आप टॉर्च के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कहीं आपको जाना है लॉन्ग टूर पर तो आप इसे टॉर्च के रूप में रख सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं आपको इमरजेंसी लाइट के रूप में। इस प्रकार से आप प्रेस कीजिए पीछे की ओर, आपका ये लाइट देखिए आराम से ये क्या होता है शॉर्टिंग होने के बाद ये दोनों प्लस माइनस अपने जो इसमें डीसी के एलईडी बल्ब रहता है, इसमें 2 प्रकार का बल्ब रहता है, एक एसी और एक डीसी। और डीसी कब होता है, जब पावर कट जाती है तो उसके बाद ये दोनों शॉर्ट होता है पिन, तो ये डीसी बल्ब जलने लगता है। और जब एसी रहता है तो एसी बल्ब इसमें आपका जलेगा, पावर में दिया हो रहा है तो उसी वक्त आपका ये चार्ज भी होगा बल्ब और आपका जलेगा। इसमें 2 हैवी बैटरी लिथियम का लगा रहता है जो काफ़ी अच्छा है। इसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है, लगभग 300 से 400 ग्राम के बीच ये आपका एलईडी बल्ब का वेट है। और ये हैवी ड्यूटी आपका एलईडी बल्ब है इन्वर्टर का और इसे आप कैरी करके भी कहीं आराम से ले जा सकते हैं, आपको इमरजेंसी के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे प्रेस करिए, आपका देखिए एलईडी बल्ब कितना काफ़ी लाइट देगा, देख सकते हैं आप लोग।
आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो ये एलईडी बल्ब आराम से आप ले सकते हैं मार्केट से अपना। तो आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।